नाज़रीन आपको चलास लेकर चलते हैं जहां वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, जनाब वजीर आला, जनाब गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान फैसल वाडा, जिन्होंने इस तरह भी तकरीर किया कि इलेक्शन होने लगा है, अली अमीन गंडकपुर फेडरल मिनिस्टर, और मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहता हूँ चेयरमैन वाबडा, जिनकी जुनून की हद तक जो लगाव है इस प्रोजेक्ट से, और जो आगे भी इनका प्लान्स हैं, जो आगे हम डैम्स बनाना चाहते हैं, मैं आपको खास तौर पे आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ख्वातीन हज़रात, देखें कौमें तरक्की कैसे करती हैं। कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो आगे का सोचती हैं, जब वो ये देखती हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो क्या देखना चाहती हैं कि हमारी कौम किस तरफ जाए, और फिर वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाती हैं। और तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि वो कौम तरक्की करती है जो अपने इंसानों की कदर करती है, अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है, वो उस तबके को ऊपर उठाती है जिस जो लोग पीछे रह गए हों जिंदगी की रेस में, यानी जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। जितना आप अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, और उतना ही इंपॉर्टेंट कि उनको इंसाफ देने पे, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आजाद हो जाती है, जुल्म से आजाद हो जाती है। और दुनिया की तारीख आप उठा के देखें तो कौमें जब ऊपर गई हैं उनके अंदर ये सब चीजें आई हैं, रूल ऑफ लॉ आया है, कानून की बालादस्ती, तालीम के ऊपर जोर दिया गया, और फिर ये देखा लोगों का जब आप ध्यान रखते हैं तो जाहिर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं, आप प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कौम दूरंदेश होती है जो कि बड़ी कौम बनती है। चाइना की तरक्की देख लें आप, चाइना की कमाल ये है कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है, पहले से सोचते हैं कि आगे हमें पानी का मसला आएगा, हमारे वो इलाके पीछे रह गए, हमने उनको ऊपर लेके आना है। तो इनकी बहुत बड़ी ये खूबी है इस कौम की कि आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे निकल गए। कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले कि चाइना दुनिया की वो कौम बन जाएगी जो अब खौफजदा है बाकी कौम है कि ये अब चाइना की तरक्की से डरे हुए हैं जितनी तेजी से वो आगे जा रही है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है, जब मैं चाइना गया, हमने जब इनकी कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत की तो हमें पता चला कि इनका कितना बड़ा तरक्की का राज इनकी दूरंदेशी है, बड़ी आगे का सोचते हैं ये। और जो हमारी बदकिस्मती रही कि हमने ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए, जो जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में
वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। ये सोच की वजह से आज ये देखें कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, दरियाओं की, पानी की, और ये जो हमारा ग्रेडियंट है, यानी हम पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ऊपर हाइट से लेकर समुंदर तक हमारा जो ग्रेडियंट है वो सबसे स्टीप है। उसके ऊपर 12 मौसम है, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, K2 से लेकर समुद्र तक आप जाएं, और फिर उसके बाद दरियाओं की जो रफ्तार है उसके ऊपर हम इतनी बिजली बना सकते थे अब तक, जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं, जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये खसारा होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, यानी आपके मुल्क में कम डॉलर आ रहे हैं बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो जैसे ही खसारा बढ़ता जाता है रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो रुपया शुरू हुआ था एक वक्त पे जब हम बड़े हो रहे थे तो 5 रुपए 10 रुपए का डॉलर था, तो आज रुपया किधर चला गया? क्योंकि हमारे डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जाते थे, कम मुल्क में डॉलर आते थे, खसारा बढ़ता जाता था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की, तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। ये याद रखें, जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है सारी चीजें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है सबसे ज्यादा गरीब आदमी को असर होता है, गुर्बत बढ़नी शुरू हो जाती है, मुल्क के पास फिर वो ताकत नहीं होती कि वो चीजें खरीदें जिससे मुल्क इंपोर्ट करके मशीनरी लगाए, इंडस्ट्री लगाए, वो सब कुछ महंगी हो जाती है। तो हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे, हमारे मुकाबले में जो और मुल्क थे हमारे से पीछे थे वो ज्यादा हमारे से आगे निकल गए, और इसमें सारी साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स, इन सब की मिसाल है हमारे सामने। तो ये जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं, दयामीर बादशाह डैम, इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी, क्यों जल मजम तीसरी, ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं, टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं, लेकिन जो बड़ी डैम्स हैं वो 5000 हैं, हमारी 3 हैं, ये तीसरी बने, 3-2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीखी गलतियां की, अपने मुल्क के ऊपर हमने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया, कि जब अल्लाह ने हमें नेमत दी हुई थी पानी की, हमने क्यों नहीं ये सोचा इसका। और ये जो बादशाह दयामीर बादशाह डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर
फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी क्योंकि जबरदस्त साइट है इसकी, यानी जो जो रॉक स्ट्रक्चर है ये जो पत्थर है इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है, 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। और इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ है हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। इससे होगा क्या, नंबर वन कि हमें कोई रुपए पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अपना फ्यूल होगा यानी जो पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, और एक और पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मसला है जो आज से सारी कौम, अब हम उस तरफ, मैंने उस सारी कौम को उस तरफ लगा दिया है कि हमने अपने मुल्क में दरख्त उगाने हैं, 10 अरब दरख्त हमने फैसला किया उगाने का। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुतासर हो सकता है आगे क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। उसका मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो पाकिस्तान वो मुल्क है, वो 10 मुल्कों में जिधर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा ये जो अब जब आप पानी के ऊपर बिजली बनाते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा नहीं करते, जब हम कोयले पे बनाते हैं या हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो वो गर्मी पैदा करती है यानी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। तो दोनों तरह हमें फायदा है, ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्यूल और ना हमारे माहौलियात के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और फिर जो आजकल जरूरत है सबसे बड़ी मेरी कौम को, नौजवानों को नौकरियां चाहिए। मुश्किल वक्त से हम गुजर पहले रहे थे, फिर ये कोरोना वायरस की वजह से जो शटडाउन किया गया उससे बहुत बड़ी बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली है। और क्योंकि मैं ये सारा आपका इलाका जानता हूं गिलगित बल्तिस्तान का, और यहां चलास कई दफा मैं आया हूं पिछले 30 सालों में, तो मुझे तो पता है कि यहां सारा ऊपर इलाका टूरिज्म के ऊपर कितना डिपेंड करता है, उनकी कितनी जरूरत है कि ये गर्मियों में टूरिज्म आए। और फिर हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं लोगों ने, बड़ा जरिया माश है, आमदनी है लोगों की। तो मुझे पता है कि कितना मुतासर हुआ ये सारा इलाका। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें कि इन इलाकों के अंदर टूरिज्म खोलनी शुरू करें। अब ये दुनिया के अंदर इसके ऊपर काफी काम हो चुका है क्योंकि हम दुनिया से भी सीख सकते हैं, वहां भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोग टूरिज्म खोल रहे हैं। जाहिर है उस तरह की टूरिज्म नहीं हो सकेगी जो कि ये कोरोना वायरस से पहले की थी, लेकिन अभी आप शुरू कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलना और SOPs इसके डेवलप कर दें। हम आपको अपनी NCOC से आपको भिजवा देंगे कि क्या किस तरह के आपको चाहिए और वो इंशाल्लाह आप खोलना शुरू करें। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी चलास के लोगों के लिए कि इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, ये जिस तरफ आप जा रहा है ये चलास, मुझे याद है मैं यहाँ आता था तो यानी लोग चलास के लोग पीछे रह गए थे, दुनिया आगे निकल रही थी और बड़ा वीरान इलाका था। यहाँ टूरिस्ट भी यहाँ इतना ज्यादा नहीं रुकता था, वो ऊपर चले जाते थे हुंजा नगर और दूसरी तरफ निकल जाते थे फंडर की तरफ और चित्राल की तरफ, तो यहाँ लोग मिस कर जाते थे। तो अब आपके लिए अल्लाह की तरफ से ये एक जबरदस्त मौका मिला है कि ये जब जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलहदा एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। लेकिन जो आपका कैडेट कॉलेज बन रहा है इससे असल में कौमें तो बदलती हैं जब उनके बच्चों को तालीम मिलती है। तो बेहतरीन तालीम का जब इदारा बन जाएगा यहाँ, जो मुझे चेयरमैन वाबडा ने बताया है कि बड़ा जबरदस्त बिल्डिंग बन रही है,
और उसके लिए पैसे भी एलोकेटेड हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए हर तरह जलास के लोगों के लिए एक मौका मिला है, और असल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ये भी श्योर किया गया कि आपको बिजली मुफ्त मिल रही है, ठीक है? हाँ, बिजली मुफ्त मिल रही है आपको, जनरल मुजम्मिल ने मुझे बताया है। तो मैं आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए हमने बजट इस बार बढ़ाया तो वो इसलिए नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए हैं और जो पाकिस्तान की आवाम पीछे रह गई है, हमारी प्रायोरिटी वो है कि सबसे पहले हम कोशिश करें उनको उठाने के लिए। हमारी डेवलपमेंट जो हुई है अब तक, वो ज्यादा पैसा थोड़ी सी जगहों पे शहरों पे लग गया। जो मुल्क का पैसा, जब तक हम जो इलाके पीछे रह गए उनके ऊपर नहीं पैसा खर्च करेंगे तो वो तो और पीछे रह जाएंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमने पूरा जोर लगाया कि आपका बजट बढ़े। जो मर्ज अब हो गया, जो पुराना कबायली इलाका था उसके ऊपर हम अब पूरी तरह, वो हालांकि मुश्किल हालात के अंदर, हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो पुराना कबायली इलाका था उसको हम पूरी तरह फंड कर रहे हैं। और तीसरा बलूचिस्तान, जो हमारा है तो जमीनी तौर पे सबसे बड़ा सूबा लेकिन वो भी बहुत पीछे रह गया है, तो उसके ऊपर भी हमने, जो हमने इस पर ही बलूचिस्तान को पैसा दिया है, कभी बलूचिस्तान के पास पहले इस तरह किसी गवर्नमेंट ने नहीं पैसे दिया मुश्किल हालात के अंदर। उसकी भी वजह यह है कि वो भी पीछे रह गए। तो मैं आपको आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक देता हूं इस डैम की। इससे आप देखेंगे, वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ये जलास की खास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल देगा। शुक्रिया।